श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। बड़ा आदमी बनना है, क्या करें? बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। और बड़ा आदमी कब बनेंगे? हमारा बच्चा बड़ा आदमी बनेगा कि नहीं बनेगा? बड़ा आदमी बनने में क्या करना चाहिए? और न जाने बड़ा आदमी और बड़ा आदमी के बारे में मुझे कमेंट्स हमेशा मिलते रहते हैं। मैंने सोचा इस पर एक विस्तृत वीडियो बनाया जाए जिससे आपको सही जानकारी मिले। उससे पहले दोस्तों एक छोटा सा निवेदन है कि आपको सकारात्मक जानकारी मिल रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में लिखे जय श्री महाकाल, ताकि आपको हमेशा इसी तरह की वीडियो मिलते रहे। बड़ा आदमी बनना कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए कुछ 5 चीज़ें जो आपको ध्यान रखना है, जिनको आप अगर सही तरह से फॉलो करते हैं तो जीवन में हमेशा कोई आपको बड़ा आदमी बनने से नहीं रोक सकता। सबसे पहली बात है, जो इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण वो अपने माता पिता की सेवा और माता पिता को खुश रखना। अब ये बात 90% लोगों को तो सही लगेगी लेकिन 10% लोगों को ऐसा है कि इससे क्या लेना देना। देखिए दोस्तों, इस दुनिया के जो सच्चे भगवान है ना, वो माता पिता है। अब माता पिता जिन्होंने आपको पाला है, बहुत से लोग माता पिता नहीं होते हैं जिन्होंने पाला है, इतना बड़ा किया है, जिस भी मुकाम पे हैं, दो दो पैरों पर खड़े हैं, जिन लोगों का योगदान है वो हमारे माता पिता है। उनकी कृपा के बिना, उनको दुखी किए बिना या उनको कुछ नहीं देकर, दुखी देकर हम कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकते। पहली बात, बहुत बड़ी बात है। अगर आप इस विचार से मेरे सहमत हैं तो जरूर कमेंट्स में बात करें। दूसरी बात है समय का सदुपयोग। एक एक मिनट, 24 घंटे में जो समय आपका खाना पीना, एक एक मिनट का सदुपयोग करें, यही एकमात्र लक्ष्य है। एक एक मिनट जो है आपके पास, वो संपदा है, समय संपदा है, उसका एक एक मिनट का बहुत उपयोग करें। तीसरी बात है व्यर्थ का मिलाप। हम सोचते ज्यादा है, काम कम करते हैं, सोचना बिल्कुल कम करें। बेसिक प्लान होते हैं, बड़ा आदमी किसी मुकाम पर पहुंचने के लिए एक बेसिक सा प्लान होता है सिंपल भाषा में, लेकिन हम उसको इतना ऊंचा लेते हैं कि हम समझ नहीं पाते। सिंपल सी बात है, मेहनत ज्यादा करें और सोचने पर वक्त न पाए। चौथी बात, जब भी समय मिले ईश्वर का जब थोड़ी टाइम जरूर करें, घूमते रहते चलते रहते, जहाँ भी हो जो भी आप पीछे चले वहाँ का जब आपको कंटिन्यू करते रहे, मंदिर दर्शन करें रोज आए, और घर से भी आप मंदिर पूजा करते रहे, हिमाचल से पाठ करें, जो भी आप इष्ट हैं उनका आप जब शुरू करें। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो दोस्तों सूर्योदय से पहले चलिए। अब आप कहीं सूर्योदय से बाद जो लगते हैं वो सफल नहीं होंगे, जो एक मुकाम पर पहुंच गए हैं वो लोग अगर आप सफल होना चाहते हैं, बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, तो समय के सदुपयोग में अब जब सूर्योदय के पहले उठते हैं तो आपके बहुत से काम जो आपके नियमित कार्य है वो तेजी से हो जाते हैं, आपका वक्त रहता है, और वक्त रहने का तो समय का सही उपयोग कर एक रूटीन बन जाता है, सही उपयोग कर देते हैं, क्योंकि वक्त यहाँ बहुत कीमती है। ये 5 बातें हैं, इसके अलावा और कोई बात नहीं है दोस्तों। आप हमें फॉलो करें, आप जरूर सफल होंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट्स में जरूर छोड़ें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में लिखना है आपको जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।